ओके गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा देख लो। लास्ट क्वेश्चन है 6.2 का, घुमा फिरा के दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। कॉन्सेप्ट अपने वही लग रहे हैं सारे जो मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में पढ़ा है। तो देखो, ये दो मिरर है, पी क्यू, ये मिरर का साइन होता है ना ऐसे ऐसे, ये जो लाइन खींची हुई है, ये दो मिरर है पी क्यू और आर एस। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको पहले, ठीक है। तो इसमें क्या क्या, एक रे गई लाइट की रे ऐसे ए बी गई, उसके रिफ्लेक्ट होके यहाँ दूसरे वाले मिरर पर गई सी पे, टच हुई फिर रिफ्लेक्ट होकर डी पे चली गई, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है मैं ये बताऊँ, हमें वो प्रूव करना है कि जो ए बी और सी डी है ना वो आपस में पैरेलल है। ये ए बी और ये सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये प्रूव करना है मैं बेसिकली। ये वाली लाइन ए बी और ये वाली लाइन सी डी आपस में पैरेलल है। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो सबसे पहला काम आप पता क्या करो, सबसे पहला काम यहाँ पर है ना, एक ऐसे परपेंडिकुलर डालो जिसका नाम लिख दो आप यहाँ से बी। ये बी परपेंडिकुलर डालो किसके, पी पी क्यू के। तो बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये ड्रॉ कर दो पहले, ठीक है। ड्रॉ कर दिया हमने बी ई परपेंडिकुलर पी क्यू। सिमिलरली यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर डाल करो सी एफ, जो कि परपेंडिकुलर होगी आर एस के। तो सी एफ परपेंडिकुलर टू ये नीचे वाले मिरर आर एस, ये काम कर दिया हमने। अब इसको एंगल दे दो, ये एंगल वन मान लो, ये एंगल टू मान लो, ये एंगल थ्री मान लो और ये एंगल फोर मान लो, ठीक है। अब हमें फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये मिरर का केस चल रहा है, फिजिक्स लगेगी थोड़ी सी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो जा रहा है ए बी, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला बी सी। तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा उसी कॉन्सेप्ट से। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ रहे हो ना इस वाले कॉन्सेप्ट से। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। पर सिमिलरली इस वाले केस में भी होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल थ्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल फोर, ये भी इक्वल है। तो एंगल थ्री और एंगल फोर ये भी आपस में इक्वल है। तो ये तो पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये एक नंबर वन चीज। अब हम अपने कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो हमने सीखे है। अब एक बात करो, हमें प्रूव करना है ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल है। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ये वाला यानी एंगल वन, मान लो ये दोनों पैरेलल लाइन हमें प्रूव करनी है ना, जो ब्लू से कर रहा हूँ ये दोनों पैरेलल लाइन, ये दोनों लाइन हमें पैरेलल प्रूव करनी है। तो इन ये ट्रांसवर्सल है ए बी सी, ए बी सी ट्रांसवर्सल को दूसरे कलर से करता हूँ, मान लो ये ऑरेंज से जो कर रहा हूँ, विजुलाइज करो ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल है। तो हमें अगर एंगल ऑफ क्या नाम है, हम एक चीज देख सकते हैं कि अगर हम ये वाली जो हमने लाइन खींची बी, पहले इसको भूल जाओ आप ए बी सी डी को, अभी हम जो हमने परपेंडिकुलर लिया ना बी ई और सी एफ, ये जो डॉट डॉट ग्रीन से लिए, इसमें एंगल टू और एंगल थ्री ये आपस में इक्वल होंगे, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएगी। तो बी ई इज पैरेलल टू सी एफ, ठीक है। जब एंगल टू और एंगल थ्री आपस में इक्वल हो गए, क्यों इक्वल हो गए, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये दोनों लाइन ऑरेंज वाली आपस में पैरेलल है, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल टू और एंगल थ्री इक्वल हो गए, तो हमने यहाँ प्रूव कर रखा था कि एंगल टू एंगल वन के बराबर है और एंगल थ्री एंगल फोर के बराबर है, यानी कि एंगल वन और एंगल फोर भी इक्वल हो गए। तो यानी कि पूरा एंगल इक्वल हो गया, यानी कि ये पूरा एंगल इक्वल हो गया, कौन सा, ये पूरा ए बी सी, ये जो मैं कर रहा हूँ ये बड़ा वाला, ये पूरा ए बी सी इक्वल हो गया। सिमिलरली ये वाला भी, ये पूरा इक्वल हो गया। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये बड़ी वाली जो हमें प्रूव करनी थी ए बी और सी डी, ये भी पैरेलल हो गए, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। तो यानी कि हेंस प्रूव्ड कि ए बी और सी डी आर पैरेलल, ठीक है। तो पहले हमने ये बी ई वाले से अल्टरनेटिव इंटीरियर, बी ई और सी एफ लेके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल दिखा दिए, और उसके बाद हमें पता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, एंगल वन और टू, एंगल थ्री और फोर। तो हमें पता चल गया कि पूरा का पूरा एंगल, यानी ये ए बी सी और ये वाला सी, ये वाला बी सी डी, ये पूरा इक्वल होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हो गए।